हेलो एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन के शानदार यूट्यूब चैनल पर जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं के ट्वेल्व दैट इज किंडर से क्लास ट्वेल्व की सारी क्लासेस के हर एक सब्जेक्ट के पूरे पूरे सिलेबस के वीडियोस जी हां हमारे सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है या तो आप हमारी एप्लीकेशन पर देख सकते हैं सारे वीडियोज या हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल तो फिर है ही आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड आप सबके लिए सारे बोर्ड के बच्चों के लिए -12 तक के के तक लिए सारे सब्जेक्ट कॉस्ट अवेलेबल है तो आइए तैयारी कीजिए मैग्नेट ब्रेन के साथ मैं हूं जीशान आपका मैथ्स मिंटोर और क्लास टेन को भाई इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं भाई तो क्लास टेन के प्यारे बच्चों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हम क्या कोऑर्डिनेट जो का एक बहुत ही स्पेशल सब टॉपिक एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है ये सब टॉपिक है जी आ, इस वीडियो के जिस पहले एक वीडियो आया उसका नाम था सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां लिखा था सेक्शन फॉर्मूला अब ये जो आया ना मिड पॉइंट फॉर्मूला ये सेक्शन फॉर्मूले का ही एक तरह से छोटा भाई है सेक्शन फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला पूरा सेशन इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला बहुत जरूरी है समझना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस देखो यार फॉर्मूला होता क्या है ये तो बच्चे याद कर लेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला सर ऐसी ऐसी चीज है इस चीज के निकालने में काम आता है सब रट लोगे लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला आता कैसे है उसका सोर्स क्या है डेरिवेशन क्या है छोटा सा डेरिवेशन है एक एक चीज डेप्थ आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और बच्चे हमारी आज की पहली स्लाइड होगी ये तो भैया सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट कुछ समझे क्या कुछ समझे क्या यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने देखो यहां मैंने लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट इसका मतलब यह हुआ भैया मिड पॉइंट एक सेक्शन फॉर्मूला ही होता है अब तुम्हें समझाता हूं ये पूरी चीज लिखी है पहला पॉइंट पढ़ो द मिड पॉइंट फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट देखो भाई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ठीक है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके कॉर्नर्स हमें पता है कि सर एक कॉर्नर ये है एक कॉर्नर ये है जिसको एंड पॉइंट्स बोला जाता है सर इनके मान के चलो नाम है ए और इसका नाम है सर पी या बी ठीक है अब मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x1 y1 कुछ भी हो सकते हैं ठीक है और इसका है सर x2 y2 ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं ओके अब हमसे बोला गया कि एक पॉइंट है इन दोनों के और वो जो पॉइंट है ना इन दोनों के बीच में वो इन दोनों का मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच बीच है तो ये आ गया मिड पॉइंट तो बेटा इसको बोला जाता है मिड पॉइंट और मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली इस मिड पॉइंट को निकालने के काम आता है जिसमें ए पी और बी पी बराबर होते हैं ठीक है क्या होते हैं सर इक्वल होते हैं बराबर होते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी अच्छा मेरी बात सुनो इस फॉर्मूले में जो मिड में आता है बीच में आता है पॉइंट जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को आप x कॉमा वाई ही मानेंगे क्या मानेंगे x कॉमा वाई ही मानेंगे ठीक है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है ना सर वो हमें पी मिड पॉइंट के एक्स के बारे में बताएगा मिड पॉइंट पी के वाई के बारे में बताएगा और सर कैसे बताता है बहुत आसान है मिड पॉइंट जो पी है सर उसके वाई उसके एक्स के बारे में हमें वो बताता है कि आप आराम से एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू करके निकाल सकते हो आप आराम से मिड पॉइंट का वाई निकाल सकते हो Y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू करके ये है बस छोटा सा मिड पॉइंट और कुछ नहीं है छोटी सी चीज है समझे ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला सर अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हैं फॉर एग्जाम्पल अस से हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं या लाइन दी है और इस लाइन के एंड पॉइंट्स है सर ये एल और एम ठीक है सर ये है एल ये है एम और सर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी हमको दिए गए हैं फॉर एग्जाम्पल टू कॉमा सेवन ठीक है और यहां दिया गया है फॉर एग्जाम्पल सिक्स कॉमा माइनस टू ठीक अब सपोज ये दिया गया अब मैं तुमसे कहूं बेटा यहां इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो जिसका नाम है के अब तुम कहोगे सर कैसे निकालें यार मिड पॉइंट जो इन दोनों का मिड पॉइंट है के है उसके कोऑर्डिनेट्स तो इन दोनों का मिड पॉइंट है के तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाएगा के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई है सर और इसके कोऑर्डिनेट्स जो x है वो आएगा x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और सर ये जो y है ना मिड पॉइंट का y ये आएगा y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू ये होते हैं सर समझ गए ठीक है निकाल लो भाई देखो कितनी ओरली आ जाएगा देखो ये x1 है ये x2 है टू प्लस सिक्स टू प्लस सिक्स एट एट अपॉइंट टू फोर तो सर ये ये आ गया फोर ये ये आ गया फोर ठीक है सर कॉमा वाई वन प्लस वाई टू सेवन प्लस माइनस टू ये वाई वन है ये वाई टू है सेवन माइनस टू हो गया फाइव फाइव अपॉइंट टू आ गया लीजिए ये किसका किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के आ गया आंसर इतना सा है मिड पॉइंट फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है समझ गए क्या समझ गए ठीक है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सर बेसिकली कोई बड़ी चीज नहीं है छोटी सी चीज है यहां भी सेक्शन फॉर्मूला ही उपयोग हो रहा है मैं बताऊंगा कैसे सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है बताऊंगा टेंशन नहीं लो ठीक है चलिए सर इसको कर देते हैं क्लियर अभी चलते हैं हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बारीक चीज पर बहुत नाजुक सी चीज पर बात करेंगे अब अपन ठीक है कि मिड पॉइंट फार्मूला आखिरकार सेक्शन फार्मूला से आता कैसे है ठीक है सर तो अभी अपन देख लेते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है ठीक है क्या देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का सर वॉट इज द डेरिवेशन गौर से सुनो गौर से सुनना बेटा हमने इस वीडियो के पहले एक वीडियो देखा सर उसमें आपने समझाया सेक्शन फॉर्मूला क्या समझाया बेटा मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला ठीक है ठीक है सर सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था ठीक है सर कौन से सुनना सेक्शन फॉर्मूले का थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है तभी तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से निकालना आएगा बहुत छोटी सी चीज है ठीक है देखो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर आपने कोई एक लाइन बनाई कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन आपके पास है और उन दोनों पॉइंट्स का नाम भी लिख लेते हैं बेटा, अपन लेटेस्ट से कि हमारे पास जो लाइन है उसका नाम है ए बी और ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एक्स वन वाई वन बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स टू वाई टू ठीक है अब सेक्शन फॉर्मूला ये कहता था कि अगर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आ जाए कोई भी कहीं भी हो सकता है यहां आ जाए हो सकता है यहां, यहां मान लेते हैं ठीक है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी तो ये क्या कर रहा है ये बेसिकली ए बी के दो पार्ट्स कर रहा है देखो दो पार्ट हो गए एक ए पी और एक पीबी दो पार्ट हो गए हासर हो गए तो ये दो पार्ट्स कुछ ना कुछ रेशियो में बंट जाते होंगे भाई स्प्लिट हो जाते होंगे कुछ तो रेशियो होगा सर होगा तो इन्होंने क्या कहा कि भैया जो रेशियो है इनका एपी एपी रेशियो पीबी ये जो रेशियो है वो एम वन रेशियो एम टू है मैंने क्या बोला रेशियो अपन को दिया एपी रेशियो पी बी दो हिस्से जो बने उनके रेशियो हमने कहा एम वन रेशियो एम टू है अब सर M1 और M2 की जगह आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने कराई भी थे नंबर्स होते हैं बेसिकली थ्री इज टू वन टू इज टू वन वन इज टू वन वन इज टू टू ऐसे कुछ होते हैं ठीक है तो सर सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो हमें गौर से सुनिएगा सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो हमें ऊपर कर दू इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो हमें सर, इसके बारे में बताता है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए बेटा माननी पड़ेंगे आपको ये होते हैं एक्स कॉमा वाई क्या होते हैं सर एक्स कॉमा वाई तो एक्स के बारे में हमें कौन बताता है सेक्शन फॉर्मूला वाई के बारे में हमें कौन बताता है सेक्शन फॉर्मूला तो सर होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला तो सेक्शन फॉर्मूला इन्हीं के फॉर्मूले को कहते हैं कि भैया मिड पॉइंट पी मिड पॉइंट नहीं सॉरी डिवाइडिंग पॉइंट पी या इंटरसेक्शन पॉइंट पी या फिर पी को अपन सेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं तो सर पॉइंट पी जो एक्चुअली बी के टुकड़े कर रहा है इसका एक्स और इसका वाई क्या होगा ये बताता है सेक्शन इसका एक्स होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है इनका y होगा m1 y2 वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है ये है फॉर्मूले इन्हीं के बारे में ये पूरा इन्हीं दोनों को बोला जाता है कि भैया ये दोनों सेक्शन फॉर्मूले इनका हुआ बना रखा है जबकि कुछ भी नहीं है ये और ये तो क्या है सेक्शन फॉर्मूला प्योर हिंदी में बोलूं तो सेक्शन फॉर्मूला एक्स और वाई ढूंढने के काम आता है किसका एक्स और किसका वाई सर ऐसे पॉइंट के X और वाई जो पॉइंट किसी लाइन के बीच में आ गया हो और लाइन को तोड़ दिया हो M1 रेशियो एम टू में खत्म एम वन रेशियो एम टू में ये होता है सेक्शन फॉर्मूला अब हमें सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला समझना है देखो सेक्शन फॉर्मूला एक स्पेशल केस बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूले में अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा बताओ सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट फार्मूला बना रहे हो ये है क्या तो तुम कहोगे कि सर ये पूरी कंडीशन एक स्पेशल कंडीशन जब बन जाए क्या बन जाए सर एक, एक स्पेशल कंडीशन ऊपर लिख देता हूं मैं कि सर एक स्पेशल कंडीशन अगर बन जाए ठीक है एक स्पेशल कंडीशन बन जाए सेक्शन फॉर्मुला एक स्पेशल कंडीशन पे आ जाए तो उसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं और वो वो कंडीशन कंडीशन क्या है सुनो। वो ये है one, है सुनो ये कि भैया पॉइंट पॉइंट नंबर जो डिवाइडिंग या सेक्शन पॉइंट है जो डिवाइडिंग पॉइंट है या इंटरसेक्शन या सेक्शन पॉइंट है मतलब मैं बात कर रहा हूं डिस्टर्बिंग पॉइंट की डिस्टर्बिंग पॉइंट पी है अच्छी खासी लाइन ए बी थी उस पर पी आ गया तो डिस्टर्ब कर दिया लाइन को तो जो सेक्शन पॉइंट है सर जो सेक्शन कर रहा है सेक्शन पॉइंट एक्चुअली मिड पॉइंट हो जाएगा अ मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट बिल्कुल बीचम बीच अगर आ गया तो पूरा सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर पूरा सेक्शन फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला और उसमें कंडीशन स्पेशल हो जाएगी क्या बताता हूं उसमें कंडीशन ये स्पेशल हो जाएगी सर एम वन रेशियो एम टू वन इज टू वन बन जाएगा बेटा वन रेशियो वन अब कैसे बन जाएगा ये भी बताता हूं सुनते जाओ तो सर यहां से हमें एक हेडिंग मिली और एक हिंट मिली कि यार अगर सेक्शन फॉर्मूला स्पेशल कंडीशन के साथ आ जाए तो हम उसको बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलेंगे सर मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है ठीक है सर ठीक है तो मिड पॉइंट फार्मूला एक्चुअली इज नथिंग बस मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ही है बस इस पॉइंट को अगर आपने बिल्कुल बीच में बीच रख दिया तो जो जो भी मिड पॉइंट फार्मूला बनेगा वो सेक्शन जो भी सेक्शन फार्मूला बनेगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला के नाम से जाना जाएगा चलो तुम करके दिखाता हूं सुनते जाना सुनते जाना हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन का नाम है ए बी ए बी नहीं अब पी क्यू ले लेंगे क्यू ठीक है पी क्यू ठीक है सर पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एक्स वन वाई वन और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x2 y2, ठीक है सर है ना x1 y1 x2 y2 अब मैंने कहा कि इनके बीच में पॉइंट आ गया मैंने सर बीच में कहा कि भैया इनके बीच में एक पॉइंट आ गया मैंने ये नहीं कहा बीचम बीच मैंने कहा इनके इनके बीच में कहीं एक पॉइंट आ गया तो जब तक मैंने कहा का, कि अ पॉइंट इज बिटवीन ए बी मैंने ये ये कहा अ पॉइंट इज बिटवीन ए बी तब तक सेक्शन ही रहेगा लेकिन अगर मैंने कह दिया एक पॉइंट है जो इनके मिडिल में है विच इज मिडिल ए बी बिल्कुल ए बी के बीचम बीच है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे तो अब ये पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट बन गया बेटा अब ये पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट बन गया इसको अपन के बोल देते हैं तो K इज नॉट अ सेक्शन पॉइंट नाउ सेक्शन पॉइंट है दो टुकड़े कर रहा है पर इस बारी टुकड़े बराबर बराबर हो रहे हैं ये आपको मिड पॉइंट दिया है ठीक है मिड पॉइंट दिया है आपको ये तो सर यहां से समझ में आया कि जो पी के है पी के और के क्यू ये दोनों तो इक्वल है और अगर हमने इनका रेशियो निकाला टुकड़ों का कि सर क्या क्या रेशियो आएगा अगर टुकड़ों का पीसेस का रेशियो ले जैसे यहां पर ए पी रेशियो पी भी हमें एम वन रेशियो एम टू दिया था तो यहां पी के रेशियो के क्यू ये भी एम वन रेशियो एम टू होगा लेकिन सर एक बात बताऊं दो इक्वल चीजों के रेशियो जब लो जैसे मान के चलो ये टोटल आठ सेंटीमीटर है तो ये भी चार हो जाएगी ये भी चार हो जाएगी तो भैया चार रेशियो चार फोर रेशियो फोर तो वन रेशियो वन, रेशियो वन आएगा ना यस सर तो भैया मिड पॉइंट वाली कंडीशन में एम वन रेशियो एम टू होता है वन रेशियो वन क्या होता है वन रेशियो वन याद रखिएगा एम रेशियो एम मिड पॉइंट में फिक्स्ड होता है M1 होता है और M2 दोनों वन इज टू वन होते हैं ऑल दो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में हमें M1 M2 देखने को ही नहीं मिलेंगे बट हम समझ रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला आखिरकार बन कैसे रहा है तो ये स्पेशल कंडीशन है जो आपको समझनी है और इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं पैक ठीक है तो इनको मैंने कर दिया भैया हाईलाइट और इनको क्लाउड में कर दिया पैक ठीक है सर डन डन सर तो सर अगर मैं के के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो सर के के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे चलो हाँ बिल्कुल हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है पी के पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई थे के के पॉइंट्स भी एक्स कॉमा वाई हो गए ठीक है सर बात सुनते जाना ठीक है सर जो पॉइंट के है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है के जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है जिसको हमने एक्स कॉमा वाई बोला सर क्या इनको हम सेक्शन uh, फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल कर नहीं पड़ेगा तो सर इसका फॉर्मूला क्या आएगा और इसका फॉर्मूला क्या आएगा सुनते जाओ बेटा सुनते जाओ अभी आ जाएगा समझ में इसका फॉर्मूला आएगा सर x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है इसका फॉर्मूला आएगा बेटा वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है ये है सर आप भूल रहे हो शायद आप भूल रहे हो आप भूल रहे हो मैं आपसे सर बोल रहा हूं एम वन और एम टू मिड पॉइंट जब होता है ना डिवाइडिंग वाला पॉइंट सेक्शन पॉइंट तब एम वन रेशियो एम टू वन इज टू वन होते वन मतलब बात क्लियर हुई सर yes, तो इसका मतलब जो एक्स आएगा वो आएगा सर वन बहुत गौर से सुनना यहां लिख देते हैं अपन पुटिंग एम वन इक्वल वन एम टू इक्वल वन दोनों की जगह हमें वन रखना है तो सर यहां एक्स क्या बनेगा सर यहां एक्स बनेगा एम वन की जगह वन वन इंटू एक्स टू तो एक्स टू बनेगा प्लस वन ये भी वन है, वन है, एक्स वन तो एक्स वन बनेगा अपॉन वन प्लस वन टू समझ गए समझ गए सर तो वाई क्या बनेगा सर, सर वाई बनेगा एम की जगह वन वन इंटू वाई टू तो वाई प्लस वन इंटू वाई वन तो वाई वन अपॉन वन प्लस वन टू तो सर यही तो फॉर्मूले होते यही तो मैंने लिखे थे यही तो मैंने लिखे थे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू सर ये आएगा y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू सर ये हो गए हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूले ऐसे आते हैं बेटा बस इतना सा फर्क है कि जब सेक्शन फॉर्मूला चलता है तो एम वन एम टू की वैल्यू डिफरेंट होती है बस वही वैल्यू बिल्कुल वही अगर ये पॉइंट शिफ्ट होकर बीच में बीच आ जाए बिल्कुल मिडिल मोस्ट पॉइंट बन जाए तो फिर यहां M1 और M2 की जो भी वैल्यू थी बस वो यहां आके में आके वन रेशियो वन बन जाती है इतना सा फर्क है है ना पूरे ऐसी फॉर्मूले में अपन ने एम वन और एम टू की जगह वन और वन रख दिया वन और वन रख दिया पूरा मिड पॉइंट फॉर्मुला आ गया बेटा जल्दी से चेकआउट कर लो इसको

ये एम रेशियो वन लिखते हैं अपन लिखते हैं एम वन रेशियो एम टू है ना अपन ये लिखते हैं कि सर ये हो गया ठीक है डन सर ओके okay. चलिए तो भाई यहां तक तो हो गया है काम पूरा आप देख लेना पूरा समझा चुका हूं मैं सारी चीजें मैंने समझाई आपको वी कैन ड्राइव द मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला देखो भाई हमें यहां क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है सर कि हम आराम से डेरिवेट कर सकते हैं किसको डेरिवेट कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला किसका यूज करके बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बस आपको एक काम करना है m1 और m2 की जगह 1 और 1 रखना है और अगर आपने m1 और m2 नहीं यूज करा m और n यूज कर रहे हो तो m और n को 1 1 रख लेना ठीक है यहां पर m और n यूज किया जा रहा है ना तो बस आपको कुछ नहीं करना है m और n दोनों की जगह 1 1 रख लेना है 1 x 2 तो x 2 1 x तो 1, Y2, 1 तो x 1 आ गया 1 y 2 1 y 1 तो y 2 y 1 ये पूरा का पूरा सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला में तब्दील हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ओके x y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m x y इधर पॉइंट्स हैं m के ये जो पुराना इन्होंने बना के दिया ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं हाँ, ये एम मिड पॉइंट है एम मिड पॉइंट है तो ये वाला रेशियो और ये इक्वल हो जाएंगे बस वन इज वन इज टू वन हो जाएंगे खत्म ठीक है सर तो अब चलते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बेटा और ये रहा एग्जाम्पल नंबर वन तो चलो भैया शुरू करते हैं अपन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में फीट करना चलिए तो सर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट अपन को ढूंढना है ठीक है सर ढूंढ लेंगे ये रही लाइन और इस लाइन में सर हमारे पास दो पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट्स कह सकते हो या एंड पॉइंट्स कह सकते हो ठीक है सर क्या है सर फाइव कॉमा सिक्स एंड पॉइंट्स है ये और माइनस थ्री कॉमा फोर नाम नहीं है गुमनाम है तो आप कुछ भी नाम लिख लो ए बी लिख लो और इनके मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट पे एम लिख लेते हैं सर ये मिड पॉइंट एम है एम निकालना है एम इज अ मिड पॉइंट ठीक है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स और वाई ले लो और यही आपको निकालना है खत्म ठीक है तो सर ये क्या हुआ सर ये हो गया x1 वन दिस इज x1 और दिस इज y1 सर ये क्या हो गया लास्ट में ये x2 y2 है ठीक है सर ओके okay. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला सर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के काम आता एक्स आएगा सर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू है ना याद है सर अपन को तो रट लिया बिल्कुल तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन है एक्स टू ये माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री अपॉन टू टू अपॉन टू आएगा बेटा यानी कि वन आया सर ये वन आया अब अपन वाई की बात कर लेते हैं सर तो वाई का फॉर्मूला क्या है सर वाई का फॉर्मूला है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू वाई वन है सर सिक्स वाई टू है सर फोर सिक्स प्लस फोर यानी टेन अपॉन टू फाइव आया सर फाइव आया वाई ठीक है तो मिड पॉइंट जो आया सर उसको हम क्लियर लिख देते हैं एम इज द मिड पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ ए बी और एम क्या है सर एम है एक्स कॉमा वाई एक्स है सर वन और वाई है सर अपना फाइव 5. वन 5 से देख लो एग्जाम्पल नंबर टू पे चलते हैं फिर अपन ठीक चलिए तो मूविंग अहेड और एग्जाम्पल नंबर टू देख लेते हैं सर क्या है सो अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर टू एज वेल इसको इरेज करते हैं ये रहा एग्जाम्पल नंबर टू बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन दिस एंड दिस बहुत गौर से सुनना दिस इज मिड पॉइंट ये बीच का पॉइंट है इन दोनों के बीच का इसके और इसके बीच का पॉइंट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपको एक लाइन बनानी है उस लाइन के कॉर्नर में दो एंड पॉइंट्स बनाने हैं क्वेश्चन पढ़ के समझना है बेटा कि आपको ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों के बारे में दिए गए हैं पी कॉमा टू कॉमा टू और सर दूसरा क्या है दूसरा है माइनस वन कॉमा थ्री और सर इन दोनों का इन दोनों का मिड पॉइंट ये दिया गया है तो अनिवार्य है सर तो अपन कह देते हैं है पी ये क्यू है और मिड पॉइंट अपन एम ही लेंगे ठीक है सर तो मिड पॉइंट हमें दिया गया है जो कि है बेटा अपने पास माइनस टू कॉमा टू पॉइंट फाइव ठीक है सर ये मिड पॉइंट दिया तुम थ्योरी पे जाओ थ्योरी तुमने सीख रखी है सर ये होता है x1 y1 ये होता है x1 y1 इतना तुम्हें याद रखना है ये होता है सर x2 y2 ये भी तुम्हें याद रखना है ढंग से तसल्ली से और सर ये जो बीच में है ना मिड पॉइंट इसको कहा जाता है x और सर इसको कहा जाता है मिड पॉइंट का y और सर इन दोनों के फॉर्मूले क्योंकि मिड पॉइंट दिया गया है ये वाला पार्ट पी एम इज इक्वल टू क्यू एम ये दिया गया है तो सर इनके फॉर्मूले भी अपन को ईजिली लर्न है ये जो मिड पॉइंट का एक्स इसका फॉर्मूला होता है सर ठीक है सर तो यहां x की जगह हम लिखेंगे माइनस टू जो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है इज इक्वल टू एक्स वन की जगह p एक्स टू की जगह माइनस वन माइनस वन अपॉन टू ये टू यहां जाएगा टू सा ऑफर माइनस फोर minus four हो जाएगा इज इक्वल टू p माइनस वन माइनस वन यहां आएगा प्लस वन हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन इज इक्वल टू पी पी इज इक्वल टू माइनस थ्री आंसर ठीक है वाई को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वेरीफाई करना चाहते हो चलो वेरीफाई करके दिखा दूं क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी हमारा क्वेश्चन था पर y को अगर तुम्हारा मन कर रहा हो वेरीफाई कर लें कि सर 2.5 आ रहा है या नहीं तो चलो कर लेते हैं सर y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन ठीक है सर यहां पर जो y है वो है 2.5 देखते हैं 2.5 सही में मैच कर रहा कर भी रहा है या नहीं ठीक है इज इक्वल टू y1 y1 है टू y3 है y2 है थ्री y1 है टू y2 है थ्री अपॉन टू सर 2 3 5 5 2 2.5 होता है बेटा बिल्कुल बराबर आ रहे हैं सब सही आ रहा है बिल्कुल इक्वल आ, आ रहा है एलएचएस में 2.5 आरएचएस में भी 2.5 आ रहा है हैंस वेरीफाइड ये हमने वेरीफाई कर लिया ये हमने अपनी दिल की तसल्ली के लिए वेरीफाई किया है उन्होंने हमें वेरीफाई करने को नहीं बोला था ठीक है भाई डन है पक्की बात यस सर डन है 100% डन है ठीक है बेटा अस मूव ऑन टू नेक्स्ट आगे चलते हैं सर और देखते हैं क्या है भाई और कैसा है भाई। चलो, सर, हमारे पास अब थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन आर दिस तो भैया लाइन के एंड पॉइंट हमको दे दिए गए हैं लाइन है हमारे पास ए भी ले, ले लेते हैं इस बार पी क्यू बहुत हो गया बोरिंग ठीक है सर ए बी हमने लाइन ले ली और हमने इस लाइन के एंड पॉइंट और बी लिख लिए ये है। ये है A, ये है है ठीक सर लिखते थ्री कॉमा फोर और बी है सेवन कॉमा एट बी है ठीक है डन यस सर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट थ्री कॉमा फोर किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है बेटा हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ दी लाइन सेगमेंट अभी मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले अपन मिड पॉइंट निकाल लेते हैं सर लेट अस वर्क अपॉन दी मिड मिड पॉइंट पॉइंट तो अपन ने ये मान लिया और इसको मान लेते हैं बेटा अपन P अच्छा मिड पॉइंट होता है क्या है सर मिड पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई क्या होता है एक्स कॉमा वाई और मिड पॉइंट का एक्स कैसे निकलता है सर तरीका है सर इसको निकालने का एक्स इज इक्वल टू मिड पॉइंट का एक्स निकलता है एक्स वन प्लस टू ठीक है सर ओके तो सर ये अपना x1 y1 ये है अपना x2 y2 ठीक है वैल्यू पुट कर लो तो सर x इज इक्वल टू एक्स वन थ्री है x2 टू सेवन है थ्री प्लस सेवन अपॉन टू टेन अपॉन टू फाइव फाइव आया सर वाई पे काम करते हैं जरा बिल्कुल करेंगे भाई सर वाई कैसे आएगा तो वाई इसका फॉर्मूला होता है वाई वन प्लस वाई टू, टू वाई वन प्लस वाई टू, टू ठीक है सर बिल्कुल ठीक है फोर वाई टू है एट तो वही फोर प्लस एट अपॉन टू ट्वेल्व तो अपॉन टू करेंगे बेटा तो आएगा सिक्स ठीक है तो जो मिड पॉइंट आया ना पी बेटा ये हमारे पास आ चुका है इट इज नाउ अस और ये क्या है बेटा दिस इज फाइव कॉमा सिक्स सर ये हो गया फाइव कॉमा सिक्स ठीक है इन्होंने कहा कि मिड पॉइंट और थ्री कॉमा फोर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो ए और पी पी मिड पॉइंट है और ए थ्री कॉमा फोर है तो ए पी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालने को कहा गया है क्या सर हमसे कहा गया है डिस्टेंस ऑफ ए पी डिस्टेंस बिटवीन ए पी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी ठीक है तो सर ए क्या है और पी क्या है ए है सर हमारे पास थ्री कॉमा फोर और जो पी है मिड पॉइंट है इन्होंने मिड पॉइंट कहा था मिड पॉइंट पी है जो आ गया फाइव कॉमा सिक्स फाइव कॉमा सिक्स तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप यह समझो कि आपको यहां सबसे पहले एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लिखना पड़ेगा इस पर लिख दो एक्स वन वाई वन ठीक है सर? इस पे लिख दो वाई टू, ठीक है सर फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए पी में डिस्टेंस निकाल रहे हो बेटा तो डिस्टेंस फॉर्मूला रन करेगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बेटा क्या आएगा प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर वैल्यू रखेंगे सर आंसर लाएंगे बिल्कुल सही बात है बेटा चलिए एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू है फाइव एक्स वन है थ्री फाइव माइनस थ्री टू टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई टू है सिक्स वाई वन है फोर आएगा सर टू का स्क्वायर समझ आएगी टू डूजा फोर टू जा फोर, फोर अंडरवुड फोर प्लस फोर एट आया बेटा प्लस बेटावुड एट।, एट को हम लिख सकते हैं अंडरवुड टू इंटू टू इंटू टू टू इंटू टू इंटू टू टू बाहर आ जाएगा हमारा आंसर है सर टू रूट टू टू रूट टू यूनिट अच्छा एक चीज बताऊं बिना मिड पॉइंट निकाले भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे बिना मिड पॉइंट निकाले भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे अब पूछोगे नहीं कैसे देखो बताता हूं कैसे सुनना एक बात बताओ यार कौन से सुनना हाँ, अगर हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया होता ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया होता कि ए बी कितना है और हम कर देते ए बी का हाफ आधा तो सर बीच में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इजी है अगर हम ए बी का डिस्टेंस इससे और इसकी मदद से निकाल लेते और उसका कर देते हाफ तो ए पी भी वही आता पी बी भी, भी वही आता हमें ए पी निकालना था तो ए पी तो सर बिना मिड पॉइंट निकाले भी आ सकता था ए बी का डिस्टेंस निकालो उसका आधा कर दो ए पी हो जाता आंसर आ जाता टू रूट टू करके दिखाऊं देखो करके दिखाता हूं तो मैं सुनो अपन पहले ए बी निकालते हैं देखना यही आंसर आएगा जो लिखा हुआ है सर ए बी निकालते हैं और ए बी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडरुड एक्स टू माइनस एक्स वन तो ये है एक्स टू सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू माइनस वाई वन एट माइनस फोर ठीक है ये हुआ सेवन माइनस थ्री फोर 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 जो सिक्सटीन तो ये हुआ अंडर रूट सिक्सटीन प्लस एट माइनस फोर 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 रूट थर्टी टू और थर्टी टू को हम लिख सकते हैं बेटा टू इंटू फोर इंटू फोर है ना फोर बाहर आ जाएगा बचेगा अंडर रूट में टू ये आया बेटा मेरे प्यारे बच्चे ए बी का डिस्टेंस ए और बी के बीच में डिस्टेंस मुझे ए पी का डिस्टेंस निकालना था पी मिड पॉइंट तो लगाना पड़ा बिकॉज मिड पॉइंट फॉर्मुला समझा रहा हूं तुम्हें बेटा हम निकाल सकते थे डायरेक्टली कैसे ए -पी जो है सर मिड पॉइंट होने की वजह से ये पूरी लाइन का आधा है हाफ हाफ है तो हम कह सकते हैं ए ए बी का half. ए बी का आया root उसका जब आप हाफ करोगे तो इससे टू टाइम्स कट जाएगा तो ये आया टू रूट टू क्या आया टू रूट टू यूनिट देखो टू रूट टू यहां भी टू रूट टू यहां भी मिड पॉइंट अपन ने निकाला भी नहीं जरूरत भी नहीं पड़ी मिड पॉइंट निकालने की समझ गए बात तो क्वेश्चन थ्री यहां हो गया है समाप्त एंड लेट इज वर्क अपॉन क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर फोर नाउ तो एग्जाम्पल नंबर थ्री तो ये हो ही गया बेटा इसका स्क्रीन ले लो सो so दैट आप आराम से कर सको आगे चलते एग्जाम्पल नंबर फोर की तरफ ये रहा एग्जाम्पल फोर हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम सच दैट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड वॉट एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है जो दिया नहीं है इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन है आप कैसे सॉल्व करोगे अरे कैसे सॉल्व करोगे का मतलब है सॉल्व करके दिखाओ समझे हमें सॉल्व करके दिखाना है बेटा तो चलिए सर कैसे सॉल्व करोगे का क्या मतलब है सॉल्व करते हैं सीधा तो सर यहां मान लेते हैं कि ये हमारे पास लाइन है जिसमें ये है टू कॉमा माइनस थ्री और ये है वॉट पॉइंट यानी जो निकालना है तो नाम लिख लेते हैं से दिस ए, दिस इज इस इज ए बी इसको लिख टू कॉमो माइनस थ्री और बेटा जो बी है उसको लिख लेते हैं हमें नहीं पता एक्स टू वाई टू आप कहोगे सर अब एक्स टू वाई टू क्यों लिखा तो बताता हूं सुनो <coughs> बेटा आप फॉर्मेट को याद करो क्या प्रोसेस है सर ये होता है एक्स वन वाई वन है ना और लास्ट में होता है एक्स टू वाई टू जो हमें दिया नहीं है इसीलिए हमने इसको एक्स टू वाई टू ले लिया जो दिया नहीं है तो बेसिकली हमें तू वाई तू निकालना है ठीक है ठीक ओके सर इनका मिड पॉइंट दे रखा है बेटा यहां कहीं मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को अपन मान लेते हैं एम और ये हमें क्या दे रखा है सर जीरो मिड पॉइंट तो यहां लिखते हैं सर जीरो मिड पॉइंट और मेरे प्यारे बच्चे एक बात याद कर बेटा मैंने क्या बोला था मिड पॉइंट जो हो और सेक्शन पॉइंट जो हो उन दोनों को एक्स और वाई से दिखाया जाता है साइड वाले X1, Y1, X2, Y2 होते हैं तो सर ये जो एक्स से दिखाया गया है ये जो एक्स से दिखाया गया है ये है क्या सर ये फॉर्मूला चलेगा मिड पॉइंट का एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ठीक है सर एक्स अपना जीरो दिया गया है सो वी विल राइट जीरो इज़ इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन है टू एक्स टू हमें नहीं पता तो टू प्लस इसकी जगह एक्स टू ही लिखेंगे अपॉन सर ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और खत्म हो जाएगा टू इंटू जीरो जीरोक्वल टू टू प्लस एक्स टू टू यहां जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स टू बचा इज इक्वल टू माइनस टू एंड दैट्स इट ऐसे ही बच्चों y का यूज करेंगे ना वी विल यूज y तो y का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू सर ये होता है अच्छा y क्या है y हमें टू दिया गया है तो इसकी जगह भाई टू लिख इज इक्वल टू y1 है माइनस थ्री वाई टू हमें नहीं पता माइनस थ्री प्लस वाई टू अपॉन टू डन अब टू को बेटा यहां भेज दो तो टू टू सा यहाँ आके फोर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वाई माइनस थ्री आएगा प्लस हो जाएगा फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई तो वाई आ गया सर फोर प्लस थ्री इज सेवन वाई कितना हमें जो वॉट पॉइंट निकालना था जो एक्चुअली पॉइंट B था जिसको हमने x2 y2 मान लिया था इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं क्या आया है सर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आए B कौमा x2 है माइनस टू और y2 है माइनस सेवन नहीं सेवन ओनली ये आंसर है बेटा माइनस टू कॉमर सेवन इज फाइनल वी कैन मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फाइव ऑल्सो नाउ ठीक है चलो एग्जाम्पल नंबर फाइव पे चला जाए सर लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर फाइव इसको इरेज करते हैं सर <coughs> ये इरेज हो गया ये रहा एग्जाम्पल नंबर फाइव सर लेट अस रीड इट अलाउड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दाइ सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ने बिल्कुल यही था शायद मुझे याद नहीं है पॉइंट्स चेंज हो गए ऐसे क्वेश्चन को बेटा अपन ने ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस सेशन में देखो सुनना हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं सर एक ये और एक ये और दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं दिस एंड है और इसके ठीक है अब इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द्राई सेक्शन ट्राई सेक्शन का मतलब होता है सर इस पूरी लाइन के तीन बराबर टुकड़े तो यार तीन टुकड़े करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए पड़ेंगे एक ये और एक ये तो अब ये तीनों टुकड़े इक्वल हो गए दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है सर डन सर बिल्कुल डन तो सर अब बारी है कि हम इसको और इसको जो पॉइंट्स है ना इन दोनों को कुछ नाम दें और इनका एड्रेस यानी कोऑर्डिनेट्स निकालें तो इसको दे देते हैं पी नाम और इसको दे देते हैं क्यू नाम तो कुल मिला के हमें क्यू निकालना है पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें यही ट्राइस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अलग अलग काम होगा बेटा याद रखना पहले हमें पी के लिए काम करना पड़ेगा और फिर हम काम करेंगे क्यू के लिए तो देखो दोस्त गौर से सुनना आपके पास एक बड़ी सी लाइन है आपने क्या करा इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट में तोड़ लिया आपने कहा यह पार्ट है सर और ये पार्ट है ठीक है अब आपसे कहा गया कि एक बात बताओ एक बात बताओ सिर्फ एग्जाम्पल कि यार एक बात बताना कि अगर ये दो सेंटीमीटर है अगर ये टू सेंटीमीटर है तो ये ट्राई सेक्शन था ना तो सर ये भी टू सेंटीमीटर होगा ये भी टू सेंटीमीटर होगा एग्जाम्पल समझा रहा हूं अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं हो रही है एग्जाम्पल समझा रहा हूं तुम्हें मैं ट्राई सेक्शन का मतलब ही ये होता है कि तीन बराबर टुकड़े कर देना अगर ये टोटल नाइन सेंटीमीटर होता तो ये हो जाता थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर अब जब अपन ने बात P की करी मान के चलो ये पॉइंट P है ये वाला पॉइंट P है मैं कह रहा हूं कि यार एक बात ये जो पॉइंट P है इसने क्या रेशियो बना दिया इस लाइन का तो तुम कहोगे सर दिस, रेशियो दिस P पॉइंट की बात हो रही P पॉइंट ने इस पूरी लाइन के दो टुकड़े करे एक ये वाला और एक ये वाला तो सर ये टुकड़ा आया टू रेशियो ये टुकड़ा आया पूरा फोर तो आंसर आएगा सर वन टू टू इसका मतलब सर P ने इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया सर वन रेशियो टू में वन अपॉन टू इज वन रेशियो टू है ना और वहीं अगर मैं वहीं अगर मैं बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूं कि यार जो Q है ये जो Q है ये वाला इसने इस पूरी लाइन को किस रेशियो में तोड़ दिया तो यार क्यू देखो ये पूरी पी को मत देखो आप जब आप क्यू की बात करें तो पी को मत देखो क्यों सर ये देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना हो गया ये ये फोर सेंटीमीटर हो गया सर और ये टू सेंटीमीटर क्यों ने बेसिकली एक फोर सेंटीमीटर का स्लैब बना दिया एक टू सेंटीमीटर तो फोर रेशियो टू 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 वन टू टू फोर टू वन टू तो ये हुआ तो टू इज टू वन जब क्यू की बात करेंगे फिलहाल हम बात कर लेते हैं पी की ठीक है फिलहाल हम बात कर लेते हैं लेट इस टॉक अबाउट पी तो यहां हमने हेडिंग डाली फॉर पी क्या फॉर पी तो सर पी ने सबसे पहले बताओ क्या रेशियो बनाया दिस रेशियो दिस तो आंसर आएगा वन रेशियो टू ये वन और ये टू तो सर वन रेशियो टू आएगा तो अपन लिखेंगे सर एम वन रेशियो एम टू इज वन रेशियो टू ठीक है सर डन पक्की बात है डन सर पक्की बात है ये हो जाएगा सर हमारा एक्स वन वाई वन ये बात याद रखना पहला वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन होगा और ये एक्स टू वाई टू होगा यहां नहीं पलट सकते आप यहां पलट नहीं सकते कि लिख लू कि एक्स टू वाई टू नहीं यहां पलटोगे नहीं ठीक है ओके हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पे और जब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो अपन पी को मान लेंगे कि ये एक्स कॉमा वाई है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और एक्स कॉमा वाई आ जाएगा तो चलो सर पी के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं जो पी है एक्चुअली अभी एज ऑफ नाउ इट इज एक्स कॉमा वाई और सर एक्स कॉमा वाई जो सेक्शन पॉइंट होता है उसको डिनोट करने के काम आते हैं एक्स कॉमा वाई इसके एक्स का फॉर्मूला होगा सेक्शन फार्मूला जो अपन अब लगाने वाले हैं तो सर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा एक्स का फॉर्मूला होगा बेटा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है कोई दिक्कत चल तो सर बात ऐसी है कि अब हमें एम वन की जगह वन रखना है देखो बेटा एम वन रखेंगे, M2 की जगह हम रखेंगे की जगह हम रखेंगे टू ठीक है सर रखो है ना गौर से सुनना एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सब दिया गया है ठीक है अच्छा x ये y की जगह क्या रखेंगे सर y की जगह y का फॉर्मूला चलेगा क्या चलेगा देखो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ये है सर डन चलो सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करेंगे सर तो सर तो की वैल्यू आएगी लेट अस से की वैल्यू क्या आएगी सर एक्स की वैल्यू आएगी वी हैव दिस बढ़िया आराम से आ जाएगी सर कोई दिक्कत नहीं है एक्स की वैल्यू आएगी एम वन की जगह वन रखेंगे वन और एक्स टू की जगह सिक्स रखेंगे वन इंटू सिक्स प्लस एम टू की जगह एम टू की जगह टू रखेंगे इन टू एक्स वन की जगह माइनस थ्री रखेंगे अपॉन एम वन प्लस एम टू एम वन अपना क्या है वन और टू वन प्लस टू ठीक है सर तो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं यह आ जाएगा सिक्स माइनस सिक्स जीरो आएगा सर ये तो जीरो आएगा कैसे आएगा सर ऊपर जीरो आ रहा है सिक्स माइनस सिक्स तो जीरो जीरो अपॉइन्ट थ्री जीरो वाई निकाल लेते हैं सर वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू बेटा एम वन है अपना वन और वाई टू वी है टू जीरो जीरो सिक्स अपॉइंट थ्री टू आएगा सर वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉइंट थ्री यानी कि टू तो सर गौर से सुनना गौर से सुनना गौर से सुनना पी आ गया x, y हटा के हम लिख देंगे p को बढ़िया गोल्डन वर्ड से क्या सर ये आ गया है p uh, x, y दैट इज 0, 2 क्या आ गया बेटा 0, 2 ये आया पहला आंसर ठीक है मेरी बात सुनना अब अगर तुम यही कंडीशन पूरी लगाओगे और q को फाइंड करोगे तो q में रेशियो बन जाएगा 2:1 बताओ क्यों सर पूरी लाइन याद है अभी बताया था मैंने पूरी लाइन है सर यहां से लेकर यहां तक मान के चलो बेटा अपने पास ये पूरी लाइन है और ये है क्यू है ना तो यार एक बात बताओ ये तीन जो हिस्से हुए ये हिस्सा मान के चलो x सेंटीमीटर है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा होगा कि नहीं होगा होगा तो Q ने इस पार्ट और इस पार्ट को अलग कर दिया तो बेसिकली Q ने 2x को अलग किया x के साथ Q ने ये जो Q है ये पॉइंट इसने बेसिकली इस पूरी पार्ट 2x और इस पूरे पार्ट एक्स को अलग कर दिया तो रेशियो आया टू एक्स रेशियो एक्स 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 गया रेशियो आया टू रेशियो वन टू रेशियो बनाया। तो सर कुछ नहीं होगा क्यू यहां लिखना बस पूरी कैलकुलेशन ऐसी होगी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सब वही रहेंगे बस आपका रेशियो एम वन रेशियो एम टू बदल जाएगा वन रेशियो टू की जगह टू रेशियो वन हो जाएगा लेकिन इससे मत करो आप अब आपको बहुत आसानी से क्यू निकालना बता देता हूं ऐसे भी हो जाएगा क्यू नो डाउट क्यू वैसे भी हो जाएगा बट हमारे पास एक ईजी तरीका है जो अब हम लगा सकते हैं पहले नहीं लगा सकते थे पर अब लगा पी कॉपी करो यार पीबी सर पी भी कॉपी कर लिया पी भी कॉपी कर लिया तो इसके पॉइंट्स भी लिखो ये है पी क्यू बी ठीक है सर पी क्यू बी दिस इज पी क्यू बी ठीक है सर P हमने ऑलरेडी निकाल रखा है जीरो कॉमा टू ठीक है सर B हमने निकाल रखा है सिक्स कॉमा सिक्स ठीक है सर पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ बेटा जस्ट फॉरगेट अबाउट होल क्वेश्चन मुझे एक बात बताओ क्या यह सेक्शन था तो क्या ये वाला पार्ट पी क्यू और क्यू भी इक्वल होंगे हाँ, सर होंगे है ना पी क्यू और क्यूबी इक्वल होंगे ये बात तो डन है सर पी क्यू इक्वल क्यूबी है वी हैव ट्राई सेक्शन है तीनों पार्ट इक्वल है आपस में तो पी क्यू और क्यूबी भी इक्वल होंगे आपस में सही बात है सर बिल्कुल होंगे ठीक है सर तो अगर पी क्यू और क्यूबी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और क्यू उसका बीच का पॉइंट है मिड पॉइंट है बेटा यस क्यू इज अड पॉइंट सीधी लाइन बना रहे हैं सर अगर ऐसा होता ऐसा? ये ऐसा कि ये पी है ये क्यू है ये B है और पी क्यू इक्वल क्यू बी तब ये मिड पॉइंट नहीं होता तब ये सीधी लाइन ही नहीं बना रहा होता है ना तो अभी अपन क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे बेटा Q इज अड पॉइंट Q इज अड पॉइंट Q मिड पॉइंट साबित हो गया ऑफ पी बी क्यू इज अड पॉइंट ऑफ पी बी ठीक है और को अपन कैसे शो करते बेटा एक्सकॉमा वाई से और वी अ फॉर्मूला ऑफ दिस तो सर जो क्यू है जिसको हमने एक्स कॉमा वाई लिख रखा है हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या मिड पॉइंट निकालने का बिल्कुल पता है सर. कैसे X को निकाला जाता है सर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू ये होता है वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा सर वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू टू समझे चलो सर यह एक्स वन वाई वन कहा से आएंगे इधर से आएंगे बेटा ये हो गया एक्स वन वाई वन ये हो गया एक्स टू वाई टू बस खतम वैल्यू रखो सॉल्व करो आंसर लो ठीक है तो जीरो एंड सिक्स जीरो प्लस सिक्स अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स अपॉन टू यानी सिक्स अपॉन टू थ्री आएगा बेटा ये दिस विल बी थ्री ठीक है वाई वन प्लस वाई टू यानी टू प्लस सिक्स तो वाई इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स यानी एट अपॉन टू फोर आएगा तो सर जो क्यू आया वो आया अपना थ्री कॉमा फोर तो सर ये एक आंसर आ गया और एक आंसर ये आ गया पी तो सर ये दोनों पॉइंट्स थे जो ट्राई सेक्शन कर रहे थे पी एंड क्यू आ गए पी आया जीरो आया थ्री को अमर फोर एंड सिट ऐसे होगा बेटा ये क्वेश्चन ठीक है डन बिल्कुल डन डन सर ओके <coughs> okay. चलिए सर आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एग्जाम्पल नंबर सिक्स एक्चुअली और देखते हैं एग्जाम्पल छह में है क्या इसको इरेज करते हैं ये रहा एग्जाम्पल छह और ये एग्जाम्पल सात ठीक है एग्जाम्पल सिक्स करते हैं सर ठीक है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी बात सुनो मेरी बात सुनना ठीक है गौर से सुनना सुनो सर हमारे पास वही ट्राई सेक्शन वाली क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस सुनते जाना बहुत बहुत गौर से सुनते जाना ये लाइन अभी ठीक है इसको अलग हटाते हैं जरा ठीक है उस रुकना, उस रुकना, रुकना, रुकना. इसको ऐसे बनाते हैं अपन ठीक है सर ये क्या है आपको पता होगा ना ये क्या है सर ये है अपना क्या है एक्स एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश है है तो एक्स एक्सेज ही बस नेगेटिव वाला पार्ट है ठीक है यहां लिया ठीक है तो सर ये क्या है और ये अपना वाई एक्सेज है बेटा दिस इज वाई डैश और ये वाई ठीक है ठीक है मैंने ऐसे ही बना लिया कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही बना लिए अब मान के चलो कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये थोड़ा सा हाँ अब सही है हाँ अब ये जो लाइन है इसको इस लाइन को y एक्स और दोनों ने टच कर दिया कट कर दिया तोड़ दिया और अब ये तीन पोर्शन बन गए तीन हिस्से बन गए सर ठीक है तीन हिस्से बन गए कौन कौन से हिस्से नाम लिख दे पहले अपन जरा इसके ठीक है नाम ले लेते हैं सर अपन लेटेस्ट से ये है अपना ए ये है अपना बी और जो दो पॉइंट्स बने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की मदद से लेटेस्ट से ये एक पॉइंट बना सर पी और ये एक पॉइंट बना लेटेस्ट से क्यू ठीक है सर ये दोनों पॉइंट बन गए अब पता तो वो क्या कह रहे प्रूफ करो कि जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ने इस लाइन को हिट किया पी और क्यू पे तीनों पार्ट इक्वल है ट्राइसेक्शन है मतलब हमें देखना है ए पीबी और क्यूबी अब ये ट्राइसेक्शन हुआ ये तो सही बात है गौर से सुनना गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चे अगर ये पॉइंट Q इस एक्स एक्सिस की वजह से आया तो ऑब्वियस बात है बेटा इसमें एक्स कॉमा जीरो यानी वाई इसका जीरो आएगा ही आएगा दिस इज हंड्रेड परसेंट श्योर ठीक है सर अगर ये पी वाई एक्सिस की वजह से बन रहा है इस लाइन पर तो इसका x जीरो आएगा तो ये जीरो कॉमा वाई की तरह ही आने वाला है बात समझ में आ गई आई बात समझ में बहुत आसान है बेटा बहुत ईजी है समझो तुम सब भूल जाओ तुम तो ये भी भूल जाओ कि एक्सेस तुम एक चीज याद रखो कि तुम्हें ये ए बी वाला लाइन दी गई है तो मैं दोबारा बनाऊंगा वो फिगर तो ए बी वाली लाइन बेटा अपन ने सीधी बना ली लिया सीधी कर ली है ना तो लेटेस्ट से हमने इसको सीधी कर ली ये हो गया ए और ये हो गया बी ठीक है ए बी लाइन हमने सीधी कर ली दिस इज ए दिस इज बी ठीक है सर ए पॉइंट है अपना माइनस फाइव कॉमा एट ठीक बी पॉइंट है सर हमारा टेन कॉमा माइनस फोर ठीक ओके अब यहां पर पी और क्यू बना और वो कह रहे हैं कि ट्राई सेक्शन हो रहा चलो मान लिया कि पी और क्यू ने ट्राई सेक्शन किया पी एंड क्यू ने ट्राई सेक्शन किया चलो सर इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अपन तो खत्म करो सबको हटाओ और अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स इसके ठीक है मेरी बात सुनना मैं P के लिए बात कर रहा हूं सबसे पहले तो मैंने P को ले लिया कॉमा वाई ठीक है ये हो वन वन। ये हो हो गया गया बेटा अपना x1 y1 बेटा अपना x2 y2 ठीक है सर मैं P के लिए काम कर रहा हूं आई एम वर्किंग फॉर P नाउ तो सर P के लिए एम वन रेशियो एम टू क्या होगा तो यहां पर हेडिंग लिखेंगे अपन फॉर पी वर्किंग फॉर पी तो सर एम वन रेशियो एम टू यार मैंने अभी बताया था ट्राई सेक्शन वाला याद करो सर एक और ये है वन टू तो वन रेशियो टू पी ने ये बना दिया एक पोर्शन और ये बना दिया दो पोर्शन तो वन इज टू टू आएगा ठीक है सर सर एक्स और वाई निकालना शुरू किया जाए पी का <coughs> फॉर्मूला होता है एक्स का बेटा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है सर वैल्यू रखते हैं एम वन है वन एक्स टू एक्स टू है टेन वन इंटू टेन टेन आया ठीक है सर प्लस एम टू एम टू एम टू है टू और एक्स वन है माइनस फाइव टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन आया सर अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी वन प्लस टू सर ये तो जीरो अपॉइंट थ्री आया एक्स की वैल्यू आ गई सर जीरो अपॉइंट थ्री यानी जीरो P का x 0 आया, देखो P का x 0 आ गया, बस हो गया प्रूफ इसका मतलब P जो है वो y एक्सिस पर है, P जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, हो गया प्रूफ है ना x भी निकाल दो लगे हाथों, x तो, निकाल, y निकाली दो इसका लगे हाथों, तो, ठीक है, तो इसके y का formula आएगा सर व, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ठीक है सर, okay तो भाई क्या आएगा एम वन है वन वाई टू है माइनस फोर तो माइनस फोर इन वन माइनस फोर एम टू है टू वाई वन है एट टू एट सिक्सटीन प्लस का सिक्सटीन अपॉन वन प्लस टू यानी थ्री या ट्वेल्व अपॉन थ्री यानी फोर फोर <coughs> आ गया ठीक है तो बेटा बेसिकली वॉट डू वी हैव नो हमारे पास पी के कॉर्डिनेट आ गए कॉमा फोर देखो मैच कर गया 0, y, है ना फोर आ गया वाई की जगह जीरो तो मैच कर गया तो ये पॉइंट जो पी है दिस लाइज ऑन एक्सिस एक्सिस तो y की वजह से बन रही है अब अपन बात करते हैं क्यू के लिए ठीक है लेट लेटस टॉक अबाउट क्यू और क्यू को अपन मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं जैसा अभी अपन ने देखा था है ना जैसा अभी अपन ने सीखा अपन उसको वैसे निकाल लेते हैं बच्चों देखो यार उसके लिए तो तुम्हें पी भी बनाना पड़ेगा पी बी ध्यान से करना इजी है एस सच कोई टफ नहीं है ये पी भी हो गया और इसके बीच में क्यू है दिस और बीच में है सर ये क्यू इसका मतलब ये है कि पी क्यू और क्यू भी इक्वल है पहली बात तो ये है क्योंकि तीनों इक्वल है ट्राई का मतलब तीनों इक्वल है तो सर पी क्यू और क्यू भी अगर इक्वल है तो हम पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए बेटा जीरो कॉमा फोर जीरो कॉमा फोर ठीक है बी के कॉर्डिनेट्स है टेन कॉमा माइनस फोर टेन कॉमा माइनस फोर ठीक है चलो Q बेटा मिड पॉइंट है याद रखिएगा तो अपन मिड पॉइंट लिख देते हैं Q मिड पॉइंट है क्योंकि दिस दिस इज इक्वल टू है तो दिस इज मिड पॉइंट पॉइंट ठीक है है सर और अगर ये है, तो आराम से हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं Q का X और Y आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेथड जो मिड पॉइंट फॉर्मुला कहलाता है तो सर अपन क्या करेंगे अपन एक काम करेंगे कि अपन Q को एक्स कॉमा वाई लिख लेते हैं और एक्स का ऐसा निकाल देते हैं सर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू जीरो ये X1, Y1 है. X1, Y1. ठीक है, सर? ये एक्स एक्स वन 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 वाई वाई है है ठीक सर क्या है दिस इज एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई टू तो सर जीरो और टेन जीरो प्लस टेन यानी टेन अपॉन टू यानी फाइव तो सर एक्स आ गया फाइव ठीक है भैया वाई निकाल लो यार बच्चा वाई निकाल लो जल्दी से y आएगा सर y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू तो y1 है अपना 4 और ये माइनस फोर फोर माइनस फोर अपॉन टू सर ये जीरो आ रहा है देखो बेटा ये जीरो आ गया तो हमारे पास q क्या आया सर हमारे पास q आया q जो पॉइंट है वो आया फाइव कॉमा जीरो तो वी है जीरो अब मेरी बात सुनो

एंड क्यूरो में लिख देना देर फोर दिस एंड दिस इज ट्राइसेनेट एक्सिस खत्म हो गया बेटा ठीक है भाई सो दिस इज डन क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया भाई चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं मूविंग एंड जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स अपना हो गया कंप्लीट इसको मैं क्लियर कर देता हूं ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है सर देखो शो दैट ए कैपिटल ए थ्री कॉमा माइनस टू इज अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस ठीक है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन बेसिक है यार क्वेश्चन मतलब बहुत बहुत बेसिक है देखो इसमें हमें करना वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम करके आए हैं देर इज नथिंग न्यू है ना कुछ न्यू नहीं है यहाँ इजी कॉन्सेप्ट है ठीक है चलो इसको भी करते हैं जल्दी से बेटा ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ये बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर सेवन शो दैट ए इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेक्शन हो रहा है तो तुम समझ जाओगे <coughs> सॉरी अगर तुमने इसका नाम ए बी दे भी दिया नहीं, नहीं देना यार ए बी ऑलरेडी दिया है ये दो भाई ये और ये, ये है लाइन देखो भाई जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस तो ये हो जाएगा पी क्यू ले लो भाई पी यानी टू कॉमा वन और क्यू क्यू बोले तो फाइव कॉमा माइनस एट फाइव कॉमा माइनस एट ठीक है सर अब इस पी क्यू का ट्राई सेक्शन हो रहा है ट्राई सेक्शन मतलब सर ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्ट तो एक ही हो गया एक ही हो गया ठीक है हाँ सर अब इन्होंने ये कहा कि प्रूव करो कि थ्री कॉमा माइनस टू इनमें से एक चलो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है इसको मान के चलते हैं बेटा अपन ए ए नहीं ए तो इन्होंने दिया है इसको अपन के और इसको एल मान लेते हैं ठीक है सर तो यार मैंने तुम्हें पहले भी बताया जब भी ट्राई सेक्शन हो और एक पॉइंट के लिए बात हो पहले वाले पॉइंट के लिए बात हो बेटा तो तुम्हें रेशियो लेना पड़ेगा के के लिए वन रेशियो टू के के लिए तुम्हें रेशियो लेना पड़ेगा वन रेशियो टू बेटा ये हो जाएगा एक्स वन ये हो जाएगा वाई वन ये हो जाएगा एक्स टू और ये हो जाएगा बेटा वाई टू ठीक यस yes, सर के लिए काम किया जा रहा है इसको लिखेंगे कॉमा वाई ठीक है सर और K के लिए सर फॉर के यहां लिखेंगे अपन फॉर के फॉर के एम वन रेशियो एम टू इज वॉट रेशियो क्या है लाइन का बेटा ट्राई सेक्शन हो रहा है यार दो दो क्वेश्चन तीन दिन क्वेश्चन कर चुके ट्राई सेक्शन के वन रेशियो टू वन और वन टू है ना तो वन रेशियो टू क्योंकि एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट इक्वल है वन पार्ट और इस दो पार्ट है तो वन रेशियो टू तो सर वन रेशियो टू होगा एम वन रेशियो एम टू ठीक है <coughs> क्या समझ में आया कि सर एम वन की जगह हमें वन लिखना है एम टू की जगह हमें टू लिखना है बस इतनी सी बात है ठीक है सर x का काम तमाम करते हैं भाई x निकालते हैं के, के लिए तो सर x का फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है ये है x का फॉर्मूला चलो y का फॉर्मूला देखते हैं सर y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू डन बिल्कुल डन सर चलो वैल्यू पुट करें और खत्म करें बेटा एम वन एम वन एम वन एम वन है सर वन इंटू एक्स टू एक्स टू है सर फाइव ठीक है प्लस एम टू है सर टू इंटू एक्स वन है सर टू टू एम टू और एक्स एक्स वन

एम टू है सर टू और वाई वन वाई वन है सर वन अपॉन वन प्लस टू एम वन प्लस एम टू इज वन प्लस टू माइनस एट प्लस टू हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री बेटा माइनस का टू वाई आ गया माइनस टू तो सर थ्री गोमा माइनस टू आ गया ए और हमें यही प्रूफ करना था बी निकालने की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है तो ये इनका जो पॉइंट दिया था प्रूव दैट ए जो है वो इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दो पॉइंट ऑफ है बेटा जो और है के और एल लिए के के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए क्या आया थ्री कॉम माइनस टू तो आप एक लाइन लिखना क्या लाइन लिखना सर बताता हूं देखो आप लिखोगे के इज अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन के जो हमने निकाला के इज अ पॉइंट ऑफ ट्राई ठीक है सर के एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ठीक है कोऑर्डिनेट्स हुज कोऑर्डिनेट इज क्या है कोऑर्डिनेट इसका एक्स कॉमा वाई थ्री कॉमा माइनस टू थ्री कॉमा माइनस टू दे फोर के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ही ए है के जो हमने निकाला थ्री कॉमा माइनस टू वो ए है बेटा थ्री कॉमा माइनस टूस वी कैन से दैट वी कैन से दैट ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें क्या कह सकते हैं वी कैन से दैट ए थ्री कॉमा माइनस टू इज अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन is अ पॉइंट ऑफ trisection. सेक्शन ठीक है सर बिल्कुल ठीक है डन सर क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया लेकिन और है इसके आगे और वो बहरे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन अदर पॉइंट ऑफ ट्राइ सेक्शन ये है बेटा <coughs> ये एल तो अपन को एल निकालने का है वी हैव टू कैलकुलेट दी पॉइंट ऑफ एल देखो एल को आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो हमारा ये सेशन है मिड पॉइंट फॉर्मूले वाला तो हमें के एल निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे बेटा जल्दी से देखते हैं आई एम इरेजिंग दिस मैं पूरा इरेज कर रहा हूं ठीक है अब लेट अस वर्क फॉर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एल के लिए बस के क्यू बनाना पड़ेगा बेटा सिर्फ के क्यू के और क्यू बना लिए सर अपन ने, लेट अस ड्रॉ के हेयर क्यू हेयर और बीच में एल ठीक मेरी बात सुनते जाना सर ये हो गया के ये हो गया एल और ये हो गया सर क्यू ठीक है पॉइंट नंबर वन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए के की जगह अपन ए भी लिख सकते हैं थ्री को माइनस टू दोनों एक ही है थ्री कोमा माइनस टू क्यू के कोडिनेट हमारे पास दिए थे फाइव कोमा माइनस एट ठीक है सर अब बेटा सारे पार्ट्स इक्वल थे सारे पार्ट्स इक्वल थे सर क्या मतलब है देखो ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट सब इक्वल थे बराबर बराबर थे ट्राई सेक्शन में यही होता है तो इसका मतलब हुआ ये कि सर गौर से सुनना के एल जो है वो एल क्यू के इक्वल होगा है ना क्यों होगा क्योंकि सर बराबर बराबर डिवाइड हो रहे थे ट्राई सेक्शन हो रहा था एंड के क्यू एक स्ट्रेट लाइन है है ना अगर एक स्ट्रेट लाइन में दो टुकड़े हो रहे हैं तो दो इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि जो एल है एल है वो सीधी लाइन का मिड पॉइंट है दियर फोर एल इज मिड पॉइंट एल इज मिड पॉइंट ऑफ के क्यू मिड पॉइंट ऑफ के क्यू ठीक है डन एल को निकाल लो भाई मिड पॉइंट को देखो एल को मान के चलते हैं बेटा जो एल है वो है एक्स कॉमा वाई और मिड पॉइंट है तो यहां मिड पॉइंट फार्मूला चलेगा एक्स का क्या चलेगा बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला y का क्या होता है बेटा y होता है y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू सर ये x1 है ये x2 है थ्री और फाइव एट अपॉन टू यानी कि फोर थ्री फाइव x1 x2 ये y1 ये y2 टू माइनस टू और माइनस एट माइनस टू और माइनस एट माइनस टेन माइनस टेन अपॉन टू माइनस का फाइव तो सर यहां पर जो l के कोऑर्डिनेट्स आए जो अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कौन है बेटा l है है ना एक तो हो गया था a जो k ही निकला जो k निकला, वो ही a निकला दूसरा हो गया l l के भी उन्होंने कहा भैया पॉइंट्स निकालो तो l के जो पॉइंट्स आए अदर पॉइंट्स ऑफ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन तो इसका आंसर आया बेटा 4, -5 4, -5 दिस इज आवर आंसर ठीक है ये अपना आंसर हो गया जल्दी से देख लो वी विल एंड दिस डन चलिए सो दिस इज डन आई थिंक अपना ये सेशन हो गया बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट आई एम इरेजिंग दिस ये हो गया इरेज और बेटा इसी के साथ अपन ये सेशन करते हैं बंद क्योंकि यहां हो गए हैं सारे एग्जाम्पल्स खत्म मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से समझा दिया है सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी हमने अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लिए हैं जिनसे आप आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो मिड पॉइंट फार्मूले पे बेस्ड है तो मिड पॉइंट फार्मूला भी हम अच्छे से समझ चुके हैं देखो एक है मिड पॉइंट थ्योरम और एक है मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ रखा है क्लास नाइन्थ में है ना ट्राइंगल्स चैप्टर में मिड पॉइंट फॉर्मुला है डिफरेंस रखना यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है तो दोस्त आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट है वेबसाइट पर भी आप सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी से लेकर डीपी क्यूज हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया गया है आप किसी भी क्लास के बच्चे हो के ट्वेल्व के अंतर्गत आते हो दैट इज केंडर से क्लास ट्वेल्व के बीच कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड आपके लिए सारा का सारा सिलेबस एडुकेशनल कर चुके हैं आइए अपना सिलेबस पूरा कीजिए सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज्ड मिल जाएंगे नोट्स के लिए आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में देख लेना मिल जाएगी एक लिंक जो आपको सीधा एक ऐसे पेज पर ट्रांसफर कर देगी जहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पास क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं तो आप आइए नोट्स जैसी आपके रिक्वायरमेंट हो जिस सब्जेक्ट की आप उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए क्योंकि नोट्स हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बनाए गए हैं और समझ सकते हो एक्सपर्ट फैकल्टीज बनाते हैं तो फिर बेस्ट से बेस्ट नोट्स बन के आते हैं जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन टिल देन हैप्पी लर्निंग टेक केयर बाय